रांची में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। होटवार स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र की मुर्गियों के सैंपल लेकर भोपाल भेजे गए थे, जहां इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसकी पुष्टि कर दी है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। होटवार क्षेत्र में मुर्गियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही होटवार के 1 किलोमीटर की परिधि में अंडों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके अलावा मुर्गियों का एक जगह से दूसरी जगह तक अगले आदेश तक लाने और ले जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रांची में बर्ड फ्लू का संक्रमण न फैले, लोग इससे प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक्शन प्लान भी तैयार किया है और इसके तहत संक्रमित मुर्गियों को मारकर उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। तो देखिए, बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है राजधानी रांची में और इसे लेकर तमाम तैयारियां प्रशासनिक महकमे की तरफ से, विभाग की तरफ से चल रही हैं और ये भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि इसका असर, इसका संक्रमण जो है वो ज्यादा ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चाहे मुर्गियों को लाने ले जाने, उसके सप्लाई को लेकर बात कही जा रही हो या फिर उसके संक्रमण पर रोक लगाने की बात, किस तरह से क्या प्रभावी होगा, ये सभी तरह की तैयारियां विभाग कर रहा है। साथ ही प्रशासन लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि अगर आपके घर में जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर कुक्कुट पालन है वहां पर, तो आप भी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, इसे नजरअंदाज ना करें। तो ये कुछ रेगुलेटरी, कुछ एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से। बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है और होटवार के इलाके में ही देखिए 1 किलोमीटर की परिधि में बहुत सारे जो एडवाइजरी हैं वो लागू किए गए हैं, लोगों को इसे लेकर हिदायत भी दी गई है। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है रांची से, सीधे उनके पास चलते हैं। रुचि, देखिए बर्ड फ्लू की दस्तक हुई और उसके बाद कई तरह के एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए जैसे ही बर्ड फ्लू की दस्तक, यानी बर्ड फ्लू के लिए सैंपल भेजा गया था और ये होटवार प्रक्षेत्र, कुक्कुट प्रक्षेत्र है, वहां से मुर्गियों के सैंपल जो है वो भोपाल भेजे गए थे। भोपाल में इसकी पुष्टि हो गई कि वहां बर्ड फ्लू के केसेस जो है वो है। देखिए उसके बाद पूरा पशुपालन विभाग जो है, प्रशासनिक महकमा अलर्ट मोड पर हो गया है और ऐसे नजदीक के जितने भी क्षेत्र है वहां पर भी जाँच की जा रही है, मुर्गियों के सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं। खास करके अगर होटवार प्रक्षेत्र के, होटवार क्षेत्र की बात की जाए तो 1 किलोमीटर परिधि, यानी 1 किलोमीटर के रेडियस में मुर्गी व अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और आयात निर्यात जो वहां से होते थे उस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि वहां से बिक्री नहीं होगी, जो सप्लाई किए जाते थे वो सप्लाई बंद कर दी गई है। तो ऐसे में देखिए पूरे अलर्ट मोड पर है। हालांकि इसका असर जो है पूरी राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में कई ऐसे जहां से मुर्गी और अंडों की बिक्री हुआ करती थी वहां पर खासा असर देखने को मिल रहा है। ग्राहक जो है वो डर चुके हैं और ऐसे में वो दुकानदार भी, चूंकि व्यवसायियों पर भी इसका प्रभाव, खासा प्रभाव पड़ा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर पूरी तरह से लगाम, यानी कि जहां जहां से सैंपल निकाले जाएंगे उस पर रोक लगाई जाएगी और इस पर सरकार के तरफ से भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। कृषि पशुपालन विभाग, देखिए मंत्री बादल पत्रलेख के पास है, वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ये इसका फैलाव ज्यादा ना हो सके। हालांकि होटवार अगर क्षेत्र की बात करें जहां पर कुक्कुट प्रक्षेत्र है वहां मुर्गियों को, यानी कि रुचि देखिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, साथ ही जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका भी, उसके भी पालन करने की बात कही है विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ताकि ये संक्रमण ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए आपका।